press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रियंश, सबसे पहले जानना चाहूंगा, ऐसा क्या खास था? बहुत चुनिंदा फिल्मों में देखते हैं हम आपको, ऐसा क्या खास था? यू सेड यस टू द फिल्म. खास तो फिल्म की कहानी मुझे बहुत नई लगी, बहुत जो किरदार जो दिया गया मुझे वो भी बहुत नया था, एक कॉप का प्लस एक 20 साल की लड़की का बाप, और बहुत ही एक डिसफंक्शनल फैमिली के अंदर एक ऑनेस्ट कॉप, और किस तरह से वो इन घर में पैदा हुई दूरियों को बच्चों के साथ जो हुई हैं उनको वो मिटाना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है. बिकॉज ही इज़ फाइटिंग यू नो लूजिंग बैटल अगेंस्ट अ मोर यू नो यूथफुल यंग गर्ल हु वांट्स टू लिव लाइफ हर ओन वे. तो ये सब बहुत नया था मेरे लिए, इसलिए मैंने हाँ कही कहानी. अच्छा, जब हम इस तरह की फिल्मों की बात करते हैं जहाँ पे एक एक फादर डॉटर की रिलेशनशिप की बात होती है, ऐसी बहुत फिल्में बनी हैं जैसे कि संजय दत्त के साथ एक फिल्म आई थी भूमि, यू नो, और उसके अलावा और भी अगर फिल्मों के नाम डैडी, यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन पूजा भट्ट एंड अनुपम खेर साहब. क्या अलग होगा लिटिल बेबी की जब हम बात करते हैं कि ये बाकी फिल्मों से जुदा होगी? जैसे आपने कहा कि जी बिल्कुल, अगर आप ये मानते हैं कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, हम आप और मैं एक अलग अलग कहानी है हम दोनों की, आप कहीं और से हैं, आप कहीं और पले बड़े, मैं कहीं और, तो हम लोग अपनी एक यूनिक कहानी लेके आते हैं. इस फिल्म लिटिल बेबी में हमारे जो निर्देशक हैं सुधांशु शेखर झा, उन्होंने अपनी कहानी कहने की कोशिश की है, उनकी भी एक 20 साल की लड़की है, और तो ये फिल्म यूनिक इस तरह से होगी कि लोग शेखर जी की कहानी को जानते नहीं हैं, जो इस फिल्म से वो जान पाएंगे, तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में यूनिक है. आप कैसे रिलेट करते हैं जब यू नो एक बेटी और एक फादर की रिलेशनशिप की बात होती है? हाउ यू रिलेट योरसेल्फ? मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है वो रिलेशनशिप, क्योंकि एक तो ऑपोजिट जेंडर है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अनकंडीशनल प्यार है कि वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, सब एक्सेप्ट करता है बाप. तो मुझे जब मैं अपने दोस्तों के घर में देखता हूँ या अपनी फैमिली में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कहानी के ऊपर और बात होनी चाहिए, मतलब और ज़्यादा हमें पेरेंटिंग की ज़रूरत है, गुड पेरेंटिंग. तो वही सब ये फिल्म भी कहना चाहती है. क्या फिल्म कोई मैसेज देती है, पैगाम देती है? और इट इज़ सेड इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे, यू नो. नॉर्मली इसको आप एंटरटेनिंग भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म का नाम अगर लिटिल बेबी नहीं होता तो इसका नाम होता बाप बेटी की नौटंकी, क्योंकि इतने ड्रामे वो कर रहे हैं, बाप का अलग ड्रामा चल रहा है, बेटी का अलग ड्रामा चल रहा है, तो और दोनों एक मतलब आपस में कैसे कोलाइड कर रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, तो वो नौटंकी आपको देखने को मिलेगी. तो उसका अगर आप मज़ा ले पाएँ तो एक मज़ा वो है. दूसरा मैसेज जो आई थिंक शेखर जी कहना चाहते हैं वो इन दूरियों को मिटाने का, जनरेशन गैप को लेकर वो बात करना चाहते हैं, तो वो भी मतलब डेफिनेटली एक मैसेज तो है. तुम दिन से लेकर अब तक क्या बदलाव देखते हैं आप इंडस्ट्री में? एक 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 दौर हुआ करता था, बहुत मुख्तलिफ लोगों को पता था फिल्म मेकिंग, और उस वक्त शायद मैं समझता हूँ सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की हम बात करते हैं, 10-3 दिन में फैसला हो जाता है. व्हाट चेंज यू हैव सीन इन द इंडस्ट्री, एंड डू यू थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट द कॉर्पोरेट इज इन्वॉल्व, और इज अ नेगेटिव साइड? नहीं, देखो चेंज तो होना ही है, क्योंकि आप एवोल्यूशन को रोक नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी जिस तरह से चेंज हो रही है, और फिल्म मेकिंग जिस तरह से फैल चुका है, अब घर पे बैठ के आप फिल्म बना सकते हैं, अपने कमरे में बैठ के आप एक पूरी फिल्म अपने फ़ोन पे खींच सकते हैं, उतार सकते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को एक एक्सप्रेशन अपनी बात कहने का बतौर इंसान, और हर इंसान मेरे हिसाब से आर्टिस्ट होता है अपने यूनिक वे में, तो वो फैसिलिटी एक बढ़ गई है, और कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे अब देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो पहले शायद कम था अब वो बढ़ गए, और वो अच्छी बात है. ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड लाइटर नोट टू, क्या आप मानते हैं कि जितना वक्त आपने इंडस्ट्री को दिया, एज एन अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है आपकी तरफ से एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल? हाँ बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, मुझे तो लगता ही नहीं कि कुछ किया है, मतलब हर फिल्म ऐसी लगता है कि नई फिल्म है, और मेरी कोशिश भी रहती है कि चुनाव मेरा अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह हो, जो जहाँ कुछ कहने को और करने को मिले. वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग अ वेब सीरीज? हाँ, मैंने अभी एक की है, कोल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला, और दो वेब सीरीज़ के ऊपर बात चल रही है, तो डेफिनेटली इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म. क्या आपको लगता है नई क्रांति आई है जब हम इस तरह के वेब सीरीज़ की बात करते हैं? वी स्टार्टेड विद सीक्रेट गेम्स, और उसके अलावा भी छोटी फिल्में रॉस्टेक पे चालू हुई, आपको लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुली है एक्टर्स के?
डेफिनेटली एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सबके लिए मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज बढ़ गए हैं. शायद प्राइसिंग अभी भी फिक्स नहीं हो पा रही क्योंकि एक अभी शुरू हुआ है, बट डेफिनेटली मतलब काम तो बढ़ गया है. आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म? लिटिल बेबी आप लोग देखिएगा प्लीज़, बहुत अच्छी एक, जैसे मैंने कहा कि एक बाप बेटी की कहानी है, बाप बेटी की नौटंकी और उन दोनों की जो एक तकरार, उसकी कहानी है, बहुत मज़ेदार है. आइए आप लोग देखिए हमारे साथ लिटिल बेबी 27 सितंबर 2019. थैंक यू सो मच. थैंक यू गुल, पहले बहुत बहुत मुबारक आपको इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए. क्या रिएक्शन था आपका जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई और कैसे आप ऑन बोर्ड आए? पहली बार तो मुझे ऑडिशन देना पड़ा और जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो वहाँ पे एक सीन था जहाँ पे वो अपने पिताजी को चिल्ला रही है, एंड आफ्टर दैट सीन आई रियलाइज कि ये फादर डॉटर के ऊपर एक स्टोरी लिखी जा रही है. एंड पर्सनली मैं अपने पिताजी से बहुत क्लोज हूँ और जब मैं जाकर अपने डायरेक्टर सर शेखर झा से मिली, उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई और तभी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये तो मेरी कहानी है. सो दैट्स वॉट made me go on board with this project. Okay, आपको पता था प्रियांशु इसका हिस्सा है? जी, पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं था. नहीं, क्या रिएक्शन था? देखी होगी आपने यकीन है? जी बिल्कुल, जब मैंने उनको तो मैंने इन्हें तो मैंने कहीं देखा हुआ है, इज क्वाइट नोन एक्टर, तो तभी थोड़ी नर्वसनेस तो थी क्योंकि इज क्वाइट एन अक्लेम्ड एक्टर. तो फिर जैसे जैसे शूटिंग चालू हुआ वो नर्वसनेस कम होते गया. क्या चैलेंजिंग रहा इस किरदार को निभाते हुए? काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि मैं नई हूँ, कंपटीशन में भी काफ़ी लोग हैं, एंड जब मैं सेट्स पे थी तो सबके एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी रहे कि नई एक्टर है. और तो जब मैं ये किरदार प्ले कर रही थी, कहीं ना कहीं आई टू थिंक के ये सिचुएशन में मैं अपने लाइफ में एक्चुअल में क्या करती, तो वो चैलेंज काफ़ी रहा है मेरे लिए. कितना सीखने को मिला प्रियांशु से और सेट पे किस तरह का माहौल रहता? जी काफ़ी, जो डिसिप्लिन, हाउ टू अप्रोच अ कैरेक्टर, ये सब चीज़ें मैंने उन्होंने सीखी. और कई बार ऐसे रहा है कि ओके ये सीन है लेकिन मैं कैसे करूँ, तो मैं तुरंत उनको पूछ लेती थी और वो मुझे जवाब देते थे, तो वो काफ़ी अच्छा था. कितनी सही शुरुआत मानती हैं आप इस फिल्म के माध्यम से? अमूमन लोग स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन जल्दी फिल्म नहीं, फिल्म क्या नॉर्मली टीवी की तरफ रुख कर लेते हैं लोग जब इस तरह से ऑडिशन देके या स्ट्रगल करके थक जाते हैं. जी आप कितनी अपने आप को लक्की मानती हैं और कितनी सही शुरुआत मानती हैं कि एक फिल्म मिली और वो भी प्रियांशु के साथ और इतनी बड़ी? मैं अपने आप को काफ़ी लक्की मानती हूँ क्योंकि मैंने भी यही ऑडिशन प्रोसेसेस और स्ट्रगलिंग की हुई है और अभी भी चालू है, ऐसे नहीं है कि हो गया. लेकिन जब मुझे ये फिल्म ऑफर की गई तो तभी वो क्या बोलते हैं ना कि अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, अब थोड़ी और मेहनत करनी है, तो बस वही रहा है और कुछ नहीं. अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आप ट्रेलर के बाद? ट्रेलर के बाद अरे वाह, यू आर अ फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम दिस इज़ वेरी गुड. या तो ये मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि ट्रेलर काफ़ी अच्छा रहा है. तो आपकी कोई फेवरेट फिल्म जहाँ पे यू नो, जैसे मैंने प्रियांशु के इंटरव्यू में जिक्र किया था, टैडी हो गई और भी फिल्में हैं, भूमि हो गई, आपकी कोई फेवरेट फिल्म विच यू नो विच यू लव द मोस्ट, स्पेशली बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इट कि इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड अ डॉटर? फादर एंड डॉटर, आई थिंक वजीर आई थी अमिताभ बच्चन जी और फरहान अख्तर की, वहाँ पे भी फादर डॉटर के ऊपर एक सीन था और वो जब भी मैं अमिताभ बच्चन जी को वो एक सीन में देखती हूँ जहाँ पे वो फरहान अख्तर आते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि वो सीन क्या हो रहा है, उनको देख के मैं मैजमराइज हो गई कि ये एक सीन से कैसे स्विच कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को, तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी. क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों वो आए हैं फिल्म का हिस्सा बने? नई फिल्म है, आज की कहानी है, इट्स एवरी फैमिली इज फेसिंग दिस इश्यू, प्लीज़ जाइए, इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर एंड इवन द पेरेंट्स. सो उनका जो परसेप्शन रहेगा फादर डॉटर रिलेशनशिप में क्या होता है, इट विल चेंज. सो प्लीज़ गो वॉच लिटिल बेबी ऑन द 27th of September. थैंक यू सो मच. थैंक यू.